हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल प्रॉपर्टी एडवाइजर में। आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं ड्यूप्लेक्स लग्जरी विला। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी सोसाइटी या फिर कोई भी घर है उसके हम दो चीज़ों से हम उसकी मेंशन करते हैं। क्या चीज़? सबसे पहले तो हम देखते हैं उसकी सिक्योरिटी। सोसाइटी से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं गेटेड सोसाइटी है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड का एक रूम है। यहाँ पर बिल्कुल चेकिंग के साथ यहाँ पर एंट्री होगी, आपकी फैमिली पूरी सेफ है। साथ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में आपकी पार्किंग रहेगी। पार्किंग से बिल्कुल थोड़ी सी आगे जाकर आप देखेंगे कि एक शानदार पार्क है। पार्क के बिल्कुल इधर बहुत अच्छी पार्किंग दी गई है। सोसाइटी आप देख रहे हो, उसके बाद मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि किसी भी सोसाइटी की दो चीज़ें हम देखते हैं, क्या? सिक्योरिटी और सेफ। सेफ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो विला होने वाले हैं वो होने वाले हैं 42 विला होने वाले, शानदार लग्जरी विला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, विला के बिल्कुल फ्रंट में आप चाहें तो दोस्तों एक गाड़ी खड़ी करने के बाद भी स्पेस बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी खड़ी करने के बाद भी आप स्पेस बच जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, इंटरफेस देखिए दोस्तों, इंटरफेस बड़े शानदार तरीके से बनाया हुआ है। टफन ग्लास का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। अगर मैं रोड से लेकर टफन ग्लास और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आइए, जब हम गेट के अंदर घर के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? स्पेस। जी हाँ दोस्तों, बालकनी का स्पेस मतलब कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे है, स्पेस बहुत अच्छा है। साथ के साथ यहाँ पे आ जाता है अपना वाटर टैंक। जी हाँ, ये हमारा वाटर टैंक है, साथ के साथ हमारा आ जाता है ये सीवरेज का अलग से टैंक है और अपना वाटर टैंक का अलग से टैंक है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप यहाँ पे अपना आउटडोर भी यहाँ पे बैठने का बना सकते हैं, कुछ भी गार्डनिंग वगैरह आप कर सकते हैं। और मैं क्या बता रहा था आपको दोस्तों कि जो टाइल्स है उसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पेंट से छुट्टी, आपको पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्या बना के दे दिया, शानदार टाइल्स का प्रयोग करके दे दिया। साथ के साथ यहाँ पे आप ग्लास देखिए, ग्लास टफन ग्लास है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं घर के अंदर। एंट्री करने से पहले हमारे माइंड में आते सबसे पहली बात क्या आती है? सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है डिजिटल लॉकर। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल लॉकर दिया है, कार्ड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही हम घर में एंट्री करते हैं तो घर का इंटरफेस देखिए दोस्तों, घर में एंटर करते ही आती है फीलिंग लग्जरी की। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो ये स्पेस देखिए दोस्तों, पहली बात तो स्पेस बड़ा शानदार है। डुप्लेक्स ये होम है, इसका जो साइज़ है दोस्तों वो होने वाला है 95 गज में। जी हाँ दोस्तों, 95 गज में इसका स्पेस होने वाला है, टोटल एरिया 95 गज का है। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा आ जाता है ड्राइंग हॉल। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा ड्राइंग हॉल। देखिए दोस्तों, 5 सीटर और 7 सीटर सोफ़ा लगाने के बाद भी हमारा स्पेस बहुत बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर कोई बाहर मतलब कि मेहमान एंट्री भी कर रहा है, उसके लिए भी स्पेस बहुत अच्छा बचा हुआ है। टेबल लगने के बाद भी हमारा 5-7 सीटर सोफ़ा लगने के बाद भी स्पेस अच्छा बचा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें दीवार पर जो डिज़ाइन किया हुआ है वो बड़ा शानदार है। आप चाहे तो आप कैसे भी डिज़ाइन यहाँ पे करवा सकते हैं, वॉलपेपर आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल की टोटल हमारा जो विला है वो कस्टमाइज है। आप जैसा आप चाहते हैं वैसा यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे विजिट करोगे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एसी की फिटिंग यहाँ पे दी गई है। ऊपर अगर मैं छत की बात करूँ तो छत की यानी कि वॉल सीलिंग का बड़े शानदार से अच्छे से प्रयोग किया गया है। जो लेटेस्ट यहाँ पे चीज़ें हैं वो लगाई गई, लाइट्स यहाँ पे अच्छे से बनाई गई है। उसके साथ साथ हम जब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा आ जाता है दोस्तों ओपन किचन, मॉड्यूलर किचन। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूलर किचन हमारा आ जाता है। जब हम किचन में एंट्री करते हैं दोस्तों तो आप एरिया देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप वुडन का कुछ भी यहाँ पे आप डिजाइनिंग करवा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके साथ साथ हम मॉड्यूलर किचन की बात करें तो यहाँ पर हमारे गीजर का फिटिंग का पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, आर ओ की फिटिंग यहाँ पर दी गई है। और साथ के साथ ऊपर मैं दिखाऊँगा चिमनी की फिटिंग यहाँ पर की गई है। जी हाँ दोस्तों, चिमनी की यहाँ पर फिटिंग की गई है। और साथ के साथ ये देखिए, अच्छी लकड़ी का प्रयोग करके यहाँ पे कबर्ड वगैरह बनाए गए हैं। जी हाँ, मॉड्यूलर मैंने वैसे ही बोल दिया कि मॉड्यूलर किचन है तो दोस्तों तो कबर्ड वगैरह जो इनके ड्रॉर हैं वो भी मॉड्यूलर ही होंगे, तो मॉड्यूलर ही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आप अपना मतलब कि गृहिणी क्या चाहते हैं, जो उनका सामान है वो अच्छे से आ सके, बिल्कुल बढ़िया से इनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए डिजाइनिंग यहाँ पे इनके कबर्ड वगैरह बनाए गए हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे दो चीज़ों में डिफाइन की गई है। एक तो है हमारा फर्नीचर, फुल फर्नीचर, एक है हमारा सेमी फर्नीचर। अगर आप सेमी फर्नीचर इसको लेना चाहते हैं तो उसमें आपका गीजर की फिटिंग आएगी, लेकिन गीजर नहीं मिलेगा,
आपका चिमनी नहीं मिलेगी, वो मिलेगा हमारा फुल फर्नीचर में। इसकी चीज़ें आप जब आओगे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्या क्या फुल फर्नीचर में क्या मिलेगा, सेमी फर्नीचर में क्या मिलेगा, उसके साथ साथ हमारा साथ में आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पे हमारा है एक बेडरूम, दो बेडरूम हमारे सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार यहाँ पे बनाया गया है, बेड वगैरह हमारे रेडी है, बस लगना ही बाकी है। देखिए दोस्तों जब हम किसी भी बेडरूम में हम एंट्री करते हैं जो उसका लुक होता है वो होता है उसकी छत। तो छत देखते ही देखिए दोस्तों जो इसका फॉल सीलिंग का प्रयोग किया गया वो बड़े शानदार बनाया गया, लाइटिंग का पूरे अच्छे से प्रयोग किया गया है, लाइटिंग शानदार है इसके अंदर। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों टफन ग्लास का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है, जो टफन ग्लास है वो बेहतरीन है, लकड़ी वगैरह मतलब कि बड़ी अच्छी सी प्रयोग की गई है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ के स्विचेज वगैरह की, स्विचेज यहाँ के रहेगा एंकर कंपनी का। जी हाँ दोस्तों एंकर कंपनी का स्विच रहेगा। और कमरे का साइज रहेगा दोस्तों इसका 10x10 का। जी हाँ दोस्तों कमरे का साइज रहेगा 10x10 का। साथ के साथ हम चलते हैं, जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा जो कबर्ड है वो बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है। कबर्ड हमारा देखिए दोस्तों ये देखिए बिल्कुल छत से लेके नीचे तक बनाई गई है। लेटेस्ट इसमें चीज़ें प्रयोग की गई है कि जो हमारे लेटेस्ट डिजाइन होता है एक आजकल चले हुए हैं उसका प्रयोग किया गया है। ये देखिए दोस्तों ये नहीं है कि आपका हाथ आ जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगी लकड़ी, क्यों लकड़ी अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। साथ के साथ हमारे ये आ जाता है दोस्तों वॉशरूम। देखिए दोस्तों वॉशरूम हमारा बड़ा शानदार है, इसके अंदर कजारिया कंपनी की टाइलें यहाँ पे प्रयोग की गई है। साथ के साथ अगर मैं सैनिटरी की बात करूँ दोस्तों, सैनिटरी यहाँ पे हमारी रहेगी जैगवार कंपनी की। जी हाँ दोस्तों सैनिटरी जैगवार कंपनी की रहेगी। हैंगिंग यहाँ पे आपका टॉयलेट रहेगा। और साथ के साथ एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको शानदार, क्या जो क्या वेंटिलेशन का आपके मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों सर्दियाँ चली हुई है, गर्म पानी में नहाते हैं, बाफ में क्या हो जाता है एक जो वॉशरूम है वो भर जाता है, लेकिन वेंटिलेशन को ध्यान रखते हुए यहाँ पे खिड़की बनाई गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वॉशरूम का साइज अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये 5x7 का इसका एरिया रहेगा। उसके साथ साथ हम चलते हैं अब अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और वहाँ पे आपको भी दिखाऊंगा कि कितने शानदार तरीके से एक एक चीज़ का वहाँ पे प्रयोग किया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते ही हम जाने से पहले ये देखिए दोस्तों कितना शानदार तरीके से यहाँ पे टफन ग्लास का प्रयोग किया गया। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे बंद करके टोटल एक सेपरेट यहाँ पे आपका जो टू रूम का बेडरूम है वहाँ पे आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों स्टील का प्रयोग करके, ग्लास का प्रयोग करके एक अलग से यूनिक से लुकिंग इसको दी गई है ताकि एक बेस्ट लुक आपके लिए निकल कर आए। जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं दोस्तों हमारा खुला डोला एरिया आ जाता है। चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पे शू रैकिंग वगैरह रख सकते हो, एक अच्छी सी लुकिंग देने के लिए आप किसी भी प्रकार के स्टिकर वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आए। आपका कोई गेस्ट आ रहा है, आप आ रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आए। यहाँ पे हमारा अगर देखें तो मतलब कि आमने सामने हमारे दोनों के दोनों कमरे हैं, एक कमरा हमारा इधर है एक हमारा इधर है। तो हम पहले बेडरूम की तरफ आते हैं। ये देखिए दोस्तों स्पेस शानदार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग का अच्छे से प्रयोग किया गया है, फॉल सीलिंग यहाँ पे बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अलमीरा की, जी हाँ दोस्तों अलमीरा आप चाहो तो ऊपर तक बन जाएगी, छत तक बन जाएगी। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो सारे की सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाएगी। जी हाँ वॉलपेपर आपका कस्टमाइज हो जाएगा, लाइटिंग आपकी कस्टमाइज हो जाएगी, जैसी आप लाइट चाहते हैं वैसी लाइट आपको मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप कबर्ड की लुकिंग चाहते हैं कि मुझे ऐसी लुकिंग मिले, आपको वो लुकिंग मिल जाएगी, छत तक आपको मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों अच्छी लकड़ी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छी लकड़ी का प्रयोग किया है, कबर्ड से लेकर ड्रॉर तक सब में अच्छी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों इसका साइज होने वाला है दोस्तों 10x12 का। जी हाँ दोस्तों इसका जो साइज है वो है 10x12 का। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ हमारे बिल्कुल राइट साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम में अगर आप देखेंगे दोस्तों सेम चीज़ें, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें भी अपना जैगवार कंपनी का जो सैनिटरी है उसका प्रयोग किया गया है, एक मिरर बड़े अच्छे शानदार तरीके से मिरर का प्रयोग किया गया है कि मिरर आपकी लुकिंग को बढ़ाने के लिए एक मतलब कि डिजाइनिंगदार मिरर दिया गया है। और साथ के साथ अपना जो हैंगिंग टॉयलेट है वो दिया गया है, टाइल्स अपनी दी गई है कजारिया कंपनी की। और साथ के साथ मैंने आपको नीचे एक चीज़ बताई थी दोस्तों कि वेंटिलेशन को मध्य नज़र रखते हुए वो देखिए दोस्तों ऊपर एक बढ़िया सा आपको वेंटिलेशन का वो क्या कहते हैं
कि आप यहाँ पे चाहो तो अपना एडजस्टर फैन भी लगा सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे जो चीज़ आप चाहते हो लगा सकते हो कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक चीज़ ऐड की गई है। क्या इसमें चीज़ ऐड की गई है? जब हम इस कमरे में एंट्री करते हैं तो साथ के साथ देखिए दोस्तों कितना नज़ारा गुड लुकिंग यहाँ पे जो हमारे सामने विला है हमारे, पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने इसमें वीडियो बनाई है इस विला की, तो आप इसकी आप देख सकते हैं 2 BHK की, 3 BHK भी है इसके अंदर। और उसके साथ के साथ दोस्तों ये आ जाता है हमारा छत का, छत पे जाने के लिए सेपरेट यहाँ पे बनाया गया है। छत पे जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी सेपरेट छत यहाँ पे रहेगी। ये देखिए दोस्तों, आप चाहे तो छत पे अपना एक सेपरेट घर भी, कमरा भी बना सकते हैं, गार्डनिंग यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे तो आप आउटडोर यानी कि आउटडोर यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं, जिम का यहाँ पे कर सकते हैं। टंकी आपके यहाँ पे सेपरेट दी गई है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट राइट दोनों आमने सामने हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों कमरों का साइज सेम रहेगा, 10x12 का साइज है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों फॉल सीलिंग की, फॉल सीलिंग भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसे इसमें फॉल सीलिंग हो जाएगी। बिल्कुल मैंने आपको बताया स्विचेस पूरे के पूरे विला के अंदर एक ही कंपनी के, एंकर कंपनी के हैं। साथ के साथ अपने अगर मैं बात करूं ड्रॉर की, जो अलमीरा है, अलमीरा आपकी सेपरेट रहेगी। एक जो गृहिणी क्या चाहती है, सेपरेट उसका बेडरूम हो, सेपरेट उसका वॉशरूम हो, सेपरेट उसका ड्रॉर हो, वो क्या अलमीरा हो, सेपरेट उसका अलमीरा हो। तो देखिए दोस्तों अलमीरा बिल्कुल शानदार है, ज़बरदस्त है। ये देखिए अच्छी लकड़ी का इसमें भी प्रयोग किया गया है, सेम अलमीरा रहेगी। साथ के साथ हमारा रहता है इसके अटैच वॉशरूम, वॉशरूम भी सेम रहेगा, सेम वही चीज़ें जो हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी, सेम ऐसे कि ऐसे कजारे कंपनी के इसमें टाइल्स का प्रयोग किया गया है। साथ के साथ जैगवार कंपनी की सैनिटरी है। और देखिए दोस्तों आप अपने सेप कोई भी चीज़ें इसमें सामान रखने के लिए ये भी आपके लिए ड्रॉर वगैरह दिए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेम वही खिड़की वगैरह दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और आगे मैं एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि जो टाइल्स है आपकी बिल्कुल छत तक दी गई है। आपके लिए एक चीज़ इसमें ऐड की गई है कि जो टाइल्स है वो ऊपर से लेकर नीचे तक दी गई है, ताकि आपको किसी नमी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे कि इसका रेट क्या होने वाला है, लोन कितना रहेगा, EMI कितनी हो जाएगी, वो सारी चीज़ें पे हम बात करें, इसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूँ सेमी फर्नीचर की, सेमी फर्नीचर का इसका रेट रहेगा दोस्तों 50 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख रुपये इसका सेमी फर्नीचर का रेट रहेगा। अगर आप इसमें फुल फर्नीचर यानी कि जो सारा सामान आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो अगर उसमें आप लेकर आइए दोस्तों 2 से 3 लाख रुपये इसमें एक्स्ट्रा बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। आप इसमें मात्र कम से कम भी 15 से 20% का इसमें आपका डाउन पेमेंट का रहेगा, 80 से 90% आपका लोन हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिक्योरिटी की या सोसाइटी की, सोसाइटी बड़ी शानदार है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पार्क यहाँ पे है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की लोकेशन, लोकेशन की मैं बात करूँ दोस्तों सेक्टर 123 सनी इनक्लेव है, मशहूर यहाँ का सेक्टर है ये, बिल्कुल साथ में 800 से 900 मीटर की दूरी पर हमारा 4 हाईवे है। यहाँ पर KFC बिल्कुल नज़दीक में, सिंधी स्वीट बिल्कुल नज़दीक में है, कॉलेज स्कूल मार्केट बिल्कुल पास की पास है, पार्क की सुविधा दी गई है, हम सुबह शाम इवनिंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके लिए बिल्कुल पार्क बाप के लिए बन रहा है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों लोन की या पैसे की, आप ज़रूर विजिट कीजिए, सारे चीज़ें आपके हिसाब से तय की जाएगी कैसा आप चीज़ वो चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्यों, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।